नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टाटा हैरियर 2023 फेसलिफ्ट के बारे में। इंडिया में जितना ज्यादा वेट इस टाटा हैरियर और टाटा सफारी के फेसलिफ्ट का हुआ है, उतना किसी भी गाड़ी के फेसलिफ्ट का नहीं हुआ होगा आज तक। और इस धमाकेदार फेसलिफ्ट की वजह से इन टाटा वालों की अब जो ये कार है ना भाई, ये और भी ज्यादा सेल होने वाली है, स्पेशली हमारी जो है वो डार्क एडिशन। और भाई, जो लोग बोलते आ रहे थे ना अब तक कि भाई टाटा के गाड़ी में हमें फीचर्स कम देखने को मिलते हैं, प्रीमियमनेस नहीं मिलती, ये वो, मतलब टाटा ही बुराइयां करते रहते थे, अब उन सबका मुंह टाटा ने बंद कर दिया क्योंकि इतनी ज्यादा प्रीमियमनेस इस कार में हमें मिलती है ना भाई, एक नंबर। और आज के इस वीडियो में हम स्पेशली फियरलेस प्लस वेरिएंट के बारे में बात करने हैं, जो कि मैनुअल में आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। इससे पहले हम बात करते हैं इस कार के प्राइस के बारे में। तो गाइस, मैंने जो आपको ये वेरिएंट बताया ना, फियरलेस प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन, इस कार की जो एक्सशोरूम कीमत है वो है 25,04,000 रुपीज एक्सशोरूम। और अगर हम बात करें ऑन द रोड प्राइस की तो लगभग ये 29,30,000 रुपीज तक ऑन द रोड इस कार की प्राइस हमें मिल जाती है। तो इस फियरलेस प्लस में हमें कंप्लीट LED सेटअप देखने को मिलता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा है। मतलब सिंगल प्रोजेक्टर हमें इस कार में देखने को मिलता है, जिसका थ्रो जो है भाई वो एक नंबर है। और भाई, इसमें जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दी गई है ना, मतलब आगे से कुछ ऐसे तरीके से जो LED सेटअप हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसकी जो लुक आने वाली है ना भाई, वो भाई एक नंबर भाई। मतलब रात में ये कार अगर आपको अगर दिख भी गई ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा क्या भाई, ये हाथी चल रहा है क्या चल रहा है, मतलब इतनी ऐसी जायंट सी कार हमें यहाँ पे लगती है भाई। और भाई, वही हम जो प्रोजेक्टर है ना, वही अपर लोअर हम उसे कर सकते हैं, और उसके साथ ही हमें आगे के साइड में यहाँ पे फॉग लैंप भी देखने को मिल जाते हैं। टाटा हैरियर डार्क एडिशन की भाई जो विड्थ है ना, वो है 1922 mm, मतलब इतनी ज़्यादा विड्थ है इस कार की। तो भाई, इसका जो लुक आएगा ना रात में गैंगस्टर वाला, एकदम खतरनाक लुक आएगा। और मतलब भाई, इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा विड्थ होने वाली कार हम इस गाड़ी को कह सकते हैं। और भाई, मतलब स्कॉर्पियो एन से भी 5 mm ज़्यादा विड्थ इस कार के हमें देखने को मिलती है। मतलब भाई, काफ़ी बड़ी ये कार हमें जब रोड पे चलेगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे हमें लगेगी। गाइस, फ्रंट में हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, उसके बाद कैमरा, उसके साथ ही यहाँ पे टाटा का लोगो क्रोम में। और भाई, इस गाड़ी का जो माचो लुक है ना भाई, और बाप रे, मतलब भाई एक नंबर इस गाड़ी का लुक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात आती है साइड प्रोफाइल की। डार्क एडिशन में हमें 19 इंच के अलॉय व्हील भाई देखने को मिलती है, 245/55 की प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब भाई 19 इंच, मतलब जो लोग मॉडिफिकेशन कराते थे ना आफ्टर मार्केट, तो भाई उनको अब मॉडिफिकेशन भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई कंपनी ही ऑलरेडी 19 इंच अलॉय व्हील हमें यहाँ पे देती है। और उसके साथ ही भाई, हमें दोनों ही फ्रंट में और रियर में भी डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब भाई सेफ्टी वाइज टाटा यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ये एकदम जेन्युइन बात है। और भाई, उसके साथ ही हमें डोर्स पे टाटा की बैजिंग, और भाई उसके साथ ही, मतलब हैरियर प्लस डार्क एडिशन की जो बैजिंग है वो हमें डोर्स पे यहाँ पे देखने को मिल जाती है भाई। अगर लेंथ की बात करें तो इस डार्क एडिशन में हमें जो लेंथ है ना भाई, वो मिलती है 4605 mm की, 4405 mm की लेंथ हमें यहाँ देखने को मिलती है भाई। और भाई, उसके साथ ही, मतलब भाई पहले से 10 mm इस गाड़ी की जो लेंथ है वो भी बढ़ा दी है। मतलब जो बम्पर आता है ना पीछे से, तो वो उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है, मतलब 10 mm का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और भाई, अच्छी खासी लंबी ये गाड़ी है। और भाई, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस कार में देखने को मिलता है। मतलब भाई, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है इस कार में हमें। उसके साथ ही भाई, साइड प्रोफाइल में रूफ रेल भी देखने को मिलते हैं विद 50 लीटर टैंक के साथ। और भाई, इस कार की पीछे से जो लुक आती है ना भाई, मतलब बहुत ही भयंकर। और रात में जब ये गाड़ी रोड पे निकलेगी ना, तो ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही है, मतलब भाई जायंट सी ऐसी लुक आती है इस टाटा हैरियर डार्क एडिशन की। और उसके साथ ही हमें पीछे के साइड में कैमरा, डिफॉगर, स्पॉइलर, एंटीना, और भाई मतलब भाई सब कुछ हमें इस कार में, वाइपर वगैरह सब इस कार में हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ ही भाई, वो ऑलवेज ऑन जो रहती है ना, तो वो लाइट रिंग भी हमें इस कार में देखने को मिलती है भाई। मतलब काफ़ी अच्छा लुक वाइज ये कार हमें यहाँ पे लगती है, और कुछ इस तरह की लुक आती है इस जायंट से दिखने वाली कार की। और भाई, अब बात आती है इंटीरियर की। तो और भाई, जिसकी वजह से टाटा की जो गाड़ियाँ है ना
भाई अब बात आती है इंटीरियर की। मतलब इंटीरियर ऐसा था ना टाटा का कि जिसके लिए जो लोग है वो टाटा की गाड़ियां कम पसंद करते थे, लेकिन अब की बार टाटा ने किसी भी टाइप की कमी इंटीरियर में नहीं छोड़ी। तो भाई इस कार में हमें चारों के चारों पावर विंडो, उसके साथ सॉफ्ट टच, अम्ब्रेला होल्डर और कुछ इस तरह के, मतलब भाई इस तरह से दिए गए है। और उसके साथ हमें जो यहाँ पे कम्फर्टेबल सीट्स मिलती है ना, तो वो कम्प्लीट लेदर सीट्स हमें यहाँ देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है विद इलेक्ट्रिकल। सभी जो कंट्रोल्स है ना सीट्स के, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई। मतलब आप मैन्युअली आपको कहाँ पे ही करने की ज़रूरत नहीं है ही नहीं। और भाई उसके साथ ही सीट्स, वेंटिलेशन सीट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती। तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है भाई। उसके साथ ही वहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर लेदर की रैपिंग, सेंटर में टाटा का लोगो, म्यूजिक, टेलीफोन कंट्रोल्स हमें स्टेयरिंग के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, एडास और उसके साथ ही क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हमें स्टेयरिंग से ही हम उस गाड़ी के मतलब हमें जैसे फीचर्स हमें स्टेयरिंग के ऊपर ही कंट्रोलिंग करने के लिए देखने को मिल जाते हैं। गाइस इस कार में हमें 12.3 इंचेस की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है भाई विथ हाई रेजोल्यूशन के साथ। मतलब भाई इसमें जो पहले लैगिंग थी ना, ऐसे वैसे कुछ हो नहीं रहा था, वो अच्छी तरीके से एकदम टच स्क्रीन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है भाई। और उसके साथ ही इसी कार में हमें, मैं भूल गया भाई, गाइस इस कार में हमें 12.3 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है भाई। मतलब विद एक्टिव, मतलब खतरनाक रेजोल्यूशन के साथ, जो पहले लैगिंग आती थी ना, तो वो लैगिंग अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई है भाई। और उसके साथ ही इस कार में हमें 10-10 स्पीकर देखने को मिलते हैं, पहले नौ आते थे, आपको तो पता ही है। मतलब नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए, 9 स्पीकर मतलब 4 डोर में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, उसके साथ ही एक सब वूफर और एक्स्ट्रा स्पीकर हमें डैशबोर्ड में यहाँ पे देखने को मिलता है भाई। और जो क्वालिटी है ना JBL पावर, हमें स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो कैमरा क्वालिटी है ना, वो भाई वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि भाई पहले मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। मतलब जो थी भी ना, तो वो कुछ काम की नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे हमें 2D 3D पूरी तरीके से ऑलराउंडर 360 कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाई ये काफ़ी अच्छा टाटा ने इस बार किया है। 7 एयरबैग्स हमें इस कार में देखने को मिलते हैं भाई। मतलब सेफ्टी की फाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं किया गया है। उसके साथ सनरूफ, चार्जिंग पोर्ट सी टाइप, क्योंकि अब की बार मतलब सी टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई, क्योंकि ए टाइप का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब जनरेशन ही सी टाइप चल रही है, तो अपग्रेड के लिए यहाँ पे सी टाइप पोर्ट भी हमें देखने को मिलता है भाई। और 445 लीटर का बूट स्पेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब भाई अच्छा खासा बूट स्पेस इस टाटा हैरियर डार्क एडिशन में हमें देखने को मिलता है, फियरलेस प्लस जो कि इस वेरिएंट का नाम है। तो भाई अब बात आती है इंजन की। तो इस कार में हमें क्रायोटेक का 170 जो 2000 सीसी का इंजन है वो इंजन देखने को मिलता है, जो कि 168 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 350 Nm 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है भाई। और यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का, जैसे हम बूट ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें किसी भी टाइप के जो हाइड्रोलिक्स है वो भाई देखने को मिलते हैं। मतलब जो इतना भारी भरकम जो बूट है भाई, वो हमें हाथ से ही उठाना पड़ेगा, हमारे जैसे तो बाइशे भी वो इसकी वजह से बन जाएंगे भाई, क्योंकि है ऐसा ही। और भाई उसके साथ ही हमें EBS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे टाटा ने दिए हैं। मतलब भाई ये इतना भरा भरा इंजन लगता है ना, जैसे ये ESP ABS के जो किट है ना, वो दिखती भी नहीं भाई इस इंजन में। तो भाई अब बात आती है माइलेज की। आखिर ये कार, मतलब इतनी बड़ी जायंट सी दिखने वाली कार, आखिर माइलेज कितने का देती है? तो 16.8 क्लेम कंपनी करती है इस कार का माइलेज। तो भाई कुछ यही कहानी थी हमारी टाटा हैरियर डार्क एडिशन मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल की। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि भाई हमें जल्दी ही 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि भाई 50K सब्सक्राइबर्स हमारे जल्दी से जल्दी होने चाहिए। तो भाई अगर आपका वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, मिलते आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, और अगर आप यहाँ पे अकोला की साइड में कहाँ पे रहते हो भाई, तो आपको आपका आपके पास अगर कोई कार हो, तो आप हमारे चैनल पे आके उसका रिव्यू कर सकते हो। मतलब भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, आप पूरी तरह से आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो कुछ यही कहानी थी। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पे दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।